Okay, guys. Hey. What's up, people? It's actually pretty late. 12:15 बज रहे हैं. क्या आ रहा है? Traffic आ रहा है? क्या हमें लोग देख रहे हैं? You're on the Quint. It takes some time to build up. और कुछ वजह है कि हम 12:15 live हो रहे हैं. चार लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है. जी हाँ, 8 नवंबर को रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 500 का नोट, जो कि पुराना 500 का नोट था, उसको बदलने का ऐलान किया. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो 1000 का नोट है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर 2000 का नया नोट आएगा. उन्होंने तो फैसला ले लिया, उन्होंने ये फैसला सुना भी दिया, लोगों ने मान भी लिया, ये सोचकर कि ब्लैक मनी यानी काला धन उस पर काबू पा लिया जाएगा. लेकिन इसके चलते जो दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है लोगों को, उसका क्या? मैं लाइव हूँ जाफराबाद दिल्ली से, जहाँ एक बैंक, मैं आपको बैंक दिखा दूँ. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कैमरा पर्सन आदित्य से. ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये जाफराबाद में स्थित है. और इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो हुजूम जमा है लोगों का. और ये इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पर लाइव खड़ा हूँ या उन्हें कैमरे पे आने का शौक है. जी नहीं जनाब, यहाँ पे किसी को भी कैमरे पे आने का शौक नहीं है. यहाँ लोग खड़े हैं कतारों में लाइन लगाकर 12:15 रात को, ताकि कल 10 बजे सुबह जब बैंक खुले तो वो शख्स जो पूरे दिन से यहाँ इंतजार कर रहा है अपनी बारी आने का, वो बैंक में जा सके और पैसे निकाल सके, अपने पैसे जमा कर सके. यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ दिन भर पूरे दिन वो लोग इंतजार में थे, आज भी वो इंतजार कर रहे हैं और कल भी वो इंतज़ार करेंगे. और उनको ये अभी तक गारंटी नहीं है, दे रियली डोंट नो वेदर दे विल गेट द चांस टू डिपॉजिट द मनी, है ना. तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर क्या हालात है इस एक बैंक के बाहर. ठीक है, ये जाफराबाद है दिल्ली में. आइए मेरे पीछे. मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे ताकि मैं एग्जैक्टली दिखा सकूँ अपने व्यूअर्स को. मैं फिर से बता दूं, जो हमें अभी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मैं खड़ा हूं जाफराबाद दिल्ली में, जहां एक बैंक के बाहर भीड़ लगी हुई है. और वो इसलिए है ताकि रात भर यहां पर सड़क पर बिताने के बाद उन्हें कल, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा. लोग काफी परेशान हैं और कतारों में बैठे हैं ताकि उन्हें कल सुबह मौका मिल सके अपने पैसे जमा करने का और बैंक से पैसे निकालने का. आप अगर मेरे साथ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी से ही लोग कतार लगाना शुरू कर चुके हैं. रात के 1 और 2 बजे ये भीड़ बढ़ेगी और अब हम इन लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने दिनों से और कितने बजे से. कई लोग हैं जो दिनों से यहाँ पर हैं. मेरे साथ एक शख्स है, मैं इनसे बात करूँगा. नमस्कार सर, आपका नाम? फारूक अहमद. फारूक साहब, आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं? 11 तारीख से अभी तक नंबर नहीं आया. 11 तारीख से, 11 नवंबर से आप यहाँ पे? जी, और नंबर ही नहीं आया और डेट पड़ी हुई है पहले. नंबर नहीं आता और यहीं तक आता है तो चले जाते हैं. यहाँ पर क्या होता है, कुछ बैंक वाले वो सामने डीजल की दुकान है वहाँ से लेके आते हैं पर्चे और बस चेंज कर लेते हैं. मैंने खुद देखा है, वो सामने डीजल की दुकान पे जब सुबह आएगा बैंक कर्मचारी, इतने फार्म वो ले जाएगा और आईडी, और वो ले जाता है बैंक में और यहाँ किसी का नंबर ही नहीं आता. तो सर, ये जो आप पूरी रात यहाँ पे गुजारते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, तो सुबह आप लोगों को प्रायोरिटी मिलती है? आप लोगों कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वाले आते हैं वो इधर उधर धक्का मुक्की, अपने लोग लगाते हैं, अपने लोग लगाते हैं वो. अच्छा, एक सेकेंड, मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिए, थोड़ी मिनट जगह दे, है ना. मैं यहाँ, आप सब बैठ जाओ. लोग परेशान है, मैं आपको बता दूं, ये भीड़ इसलिए है यहाँ पे क्योंकि सब अपनी बात कहना चाहते हैं. और मैं आप सभी से बात करूंगा, आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आप सबके पास आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा. अगर आप थोड़ा सा कैमरा नीचे करें, दरी बिछाकर बैठे हुए, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत शौक है लोगों को कि कुछ करने को नहीं था, रात बिताने को नहीं था तो एटीएम के बाहर लग जाते, नहीं, ऐसा नहीं है. इसका कारण यह है कि डीमोनेटाइजेशन, जी हाँ, जब से 500 का पुराना नोट बंद हुआ है, 1000 का नोट बंद कर दिया गया है और 2000 की नई करेंसी आई है, तब से लोग ऐसी कतारों में पूरे देश भर में एटीएम्स, बैंक्स के बाहर भीड़ लगाकर बैठे हैं. सर नमस्कार, आपका नाम? नफीस है. नफीस साहब, आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम कल सुबह 5 बजे से आए थे. कल सुबह 5 बजे के आए हुए हैं जी. तो आपका नंबर अभी तक तो आ जाना चाहिए था. नंबर क्यों पता नहीं, क्यों नहीं आया, काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो सुबह जब बैंक खुलता है तो उस वक्त आपको नंबर, मतलब अंदर जाने को नहीं मिलता? नहीं, अंदर नहीं मिला, पीछे लेन पीछे जगह थे हम, बैंक बंद हो गया था. तो
माफी चाहूंगा आपसे सर, ये बताइए कि अभी जब से ये 500 का पुराना नोट बंद हो गया है, ठीक है, और 2000 का नया नोट आ गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे गोवा में अपने एक भाषण में कहा कि 30 दिसंबर तक का वक्त मुझे दीजिए और थोड़ी सी दिक्कतें आपको पेश आएंगी लेकिन मेरा साथ दीजिए, तो क्या आप उनका साथ देंगे? भाई इस तरीके से साथ नहीं दिया जा सकता ना, पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए ना। सर आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो? मैं तो लगभग 4 दिन हो गए मुझे। 4 दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो कल सुबह से आए हुए हैं, आप कह रहे हो 4 दिन से आए हुए हो और आप यहाँ पे घंटों लाइन में रहते हो, तो सुबह क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? पुलिस वाले प्रशासन की तरफ से भी मदद किया, बीच में आके लोग घुस जाते हैं सुबह में आने के बाद में, सबसे बड़ी परेशानी तो वो है, इस वजह से जो रात को आते हैं उनका नंबर नहीं आ पाता। यहाँ पे एक बताने वाली बात ये भी है कि ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग परेशान है, बैंक भी परेशान है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जहां हरियाणा के एक बैंक में एक बैंक मैनेजर की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी वजह ये थी कि वो बैंक मैनेजर 3 दिन से लगातार ऑफिस में ही रहकर काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि लोग परेशान है, बैंक कर्मचारी भी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला तो ले लिया लेकिन शायद तैयार नहीं थे। जल्दी में लिया गया फैसला, यही वजह है, तैयारी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, उधर से चलते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि इस साइड पे जेंट्स बैठे हैं और ठीक बैंक की दूसरी तरफ पे लेडीज भी बैठी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी थोड़ी देर बात करने की। आप सबसे गुजारिश है, मैं आप सबसे बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, आप थोड़ा सा मुझे मौका दे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई पिकनिक नहीं हो रही है, अभी रात के 12:45 हैं और बैंक के बाहर लोग बैठे हैं इंतजार में। ये आलम कभी किसी वक्त में होता था रेलवे स्टेशन पे जब तत्काल की टिकट के लिए लोग ऐसे सोया करते थे, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं कि बैंकों के बाहर लोग अपने पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? शकील अहमद। शकील साहब कहाँ से आ रहे हो आप? ये सलीमपुर से। सलीमपुर से। शकील साहब तो कितने दिनों से आ रहे हो आप, कितनी देर से यहाँ पे हो? ये भाई जी 4 दिन हो गए चक्कर काटते काटते कोर्ट के, 4 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। रात को 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले आते हैं जब कोर्ट बंद हो जाती है। तो इसमें जो हम लोगों को फायदा नहीं है, इससे फायदा है जो तो आप विड्रॉ करने आए थे, पैसे निकालने आए थे? पैसे निकालने में आए थे, डालने में आए। कितने पैसे डालने आए थे? डालने आए थे सर 4,500 और 4,500 निकालने में। ओके, यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं हम लाइव हैं जाफराबाद दिल्ली से, जहां पर लोग कतारों में खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि सब यहाँ अपने मन से आए हो, कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप को दरी में छुपा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी तरीके से अपने आप को खुश रखे हैं, अपने आप को दिलासा बांधे हुए हैं कि नहीं यार ठीक है निकालना है। मैं और भी उस तरफ जाके बात करने की कोशिश करूंगा लोगों से, मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा यहाँ पे। मिलन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नोटबंदी से 125 करोड़ भारतीयों को तकलीफ हो रही है, कृपया लिस्ट में मेरा नाम भी जोड़ दें। वाह। शुभम कह रहे हैं, परेशानी सबको होगी बट देश की भलाई का सवाल है। एक मिनट आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। शबनम कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ करोड़पतियों के कहने में चल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक साथ पूछना चाहूंगा, क्या ये वही अच्छे दिन थे जिसके लिए आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था? हाँ, क्या ये वही अच्छे दिन है? गरीबों के तो बुरे दिन आ गए, गरीबों के तो बुरे दिन आ गए बहुत ज्यादा। ये मोदी सर का सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पे था और ये आम आदमी को पड़ रहा सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं, उस तरफ चल के लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करूंगा। बिल्कुल, जापान जा रहे हैं। तो ले देखे, लोगों का ये कहना है कि लोगों का ये कहना है लेडीज बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बात करूंगा उनसे भी बात करूंगा। ले देखे, लोगों का ये कहना है कि ब्लैक मनी की बात की थी, करोड़पति जो अपने घरों में पैसे जमा करके बैठे हैं
तो उनपे टारगेट करना चाहिए था ना, आम आदमी के पॉकेट को क्यों टारगेट किया? सर आपका नाम? सर जी मेरा नाम बिकम सिंह है जी। सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, चार चार घंटे तक सवार नहीं मिलती, भूखे मरने की नौबत आती आ रही है। अब घर के मैं सर किसके खर्च के सवारी को लाए, बैटरी रिक्शा इतने हो गए हैं कि रिक्शे में बैठ के राजी नहीं है। अब बताओ गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ से रोटी खाएगा? सबसे पहले पेट को तो चाहिए नहीं चाहिए, गरीब आदमी क्या खाएगा बताइए आप, बताइए। सर आप कितने दिन से यहाँ पे? मैं एक साल से रह रहा हूँ जी यहाँ पे जी। अभी बैंक में आप भी लाइन लगा रहे थे आज? हाँ लगा रहा था जी। कितने दिनों से आप आ रहे हो? मैं 3 दिन से लगा रहा हूँ जी, बस नंबर जब तक नंबर आया तब तक बैंक बंद हो जाता है। बैंक वाले क्या कहते हैं आप लोगों ने? बैंक वाले नो डाउट बैंक से कुछ तो लोग आए ही होंगे, काम भी तो देखता। मुझे ये बताइए मैं रोटी कहाँ से खाऊं जब रोजगार है ही नहीं? आप मुझे बात जवाब दीजिए, चार चार पाँच पाँच घंटे नहीं नहीं, अब मजदूर आदमी कहाँ से रोटी खाएगा? पाँच पाँच छह घंटे होते हैं धक्के खाते हुए, बिल्कुल पेट को तो खाना चाहिए नहीं चाहिए समझे, और कपड़ा लगता और चीजें सब सवाल में। यकीन मानिए आपका सवाल ही, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो कदम उठाया गया है ये ब्लैक मनी को तो ठीक है समझ में आ रहा है कि काले धन को कम करने के लिए, उस पर एक पकड़ बनाने के लिए, उसको इस देश से हटाने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन हमारे आपका नाम सर? भीकम सिंह है मेरा नाम। भीकम सिंह साहब जैसे कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। काला धन कहाँ से छुपेगा यार? आइए आप आ जाइए, कहाँ छुपेगा काला धन? आइए बिल्कुल आइए। 2000 रुपए का नोट दिया तुमने, 1000 कितनी मोटी होती है, 2000 कितनी हो जाएगी? काला धन तो और दबेगा, और दबेंगे काला धन जी। ये तो बेकार की बातें कर रहे हो, काला धन छुपाने की, ये गरीब को मारने वाली बात है। सर्जिकल बड़े लोग पे पैसा है, हम पे पैसे नहीं, हम पर भूख मर रहा हूँ मैं यहाँ, हमारी कोई भूख तो मिटाओ, मुझे खाना खाना है, खिलाओ तो जानू मैं तुम्हें। ये बेकार की बात है, काला धन निकालो। 2000 रुपए का नोट, पहले 100 नोट होते थे अब होंगे 50, काला धन और दबेगा। ये तो बेकार की बेगूबी वाली बातें करते हो, ये हम लाइन में यहाँ पड़े हैं, एक भी आदमी तुम बड़े दिखा दो, लड़ने की बात नहीं है, सामने बोल लो ना, मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है, मैं गुस्सा, मेरा एक भी आदमी दिखा दो बड़े, एक करके आदमी एक भी दिखाओ मुझे। आप बोलो, सिर्फ मजदूर आदमी यहाँ मिलेंगे, बड़ा आदमी कोई नहीं है, सिर्फ मजदूर आदमी खड़े हैं यहाँ पे, मजदूर खड़े हैं यहाँ पे, ईंटा पत्थर ढोने वाले यहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं, सुबह ड्यूटी जाना है, नहीं जाऊँगा वो भी मजदूरी मिलेगी मुझे, मालिक मुझे पुराने पैसे देते हैं, मालिक मुझे पुराने पैसे देते हैं, औरतें हमारी लग रही है लाइन में, गरीब आदमियों की लग रही है, अमीरों को भी लग रहा है यहाँ पे, कोई नहीं लग रहा अमीरों को यहाँ पे, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। एक मिनट सर जी, मजदूर आदमी हालत तो देखिए, मैं पैसे वाले को भैया जी, पैसे वाले को भैया जी, मुझे सिर्फ सवाल ही सिर्फ पापी पे मेरा, इसको तो एक बार रोटी तो चाहिए, बताइए कौन सा काम से लाइन में लगेगा? 2000 रुपए बदलने हैं, 2000 रुपए बदलना है, हम यहाँ आने से लेकर बैठे हुए हैं। ओके 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 ओके, एक मिनट मेरी बात, ठीक है बिल्कुल। अरे भाई आप शांत करो, मुझे 2000 रुपए बदलने सुबह, एक प्लीज, हाँ बोलिए 2000 रुपए बदलने, एक मिनट, आप सबसे रिक्वेस्ट है 2000 रुपए बदलने, आइए आप अपने जेब के पैसे देके, अपने पैसे लेके, और वो पैसे के लिए मैं अभी से सो रहा हूँ, सुबह मुझे 2000 मिलेंगे, वो भी नंबर आएगा तो अपना भी नंबर देखा ना, मैंने बताया ना आपको कि सुबह आके फिर नंबर देखना कहाँ जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को भी आपको 2000 का नोट मिलेगा, अगर आपको 50-60 रुपए कोई चीज चाहिए तो आपको खुला नहीं मिलेगा, वो ऐसे मुझे मेरी, अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने, थोड़े ठंडे दिमाग से मेरी, ठंडे सीरियस बोलो, बिल्कुल मैं आपकी बात, लेकिन जिन लोगों ने घरों में एकदम ठंडे दिमाग, जिन लोगों ने अपने घरों में करोड़ों रुपए छुपा रखे थे जी, उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना, ये तो आप मानोगे, उनको भी, उनको हमें नहीं देगा, वो हमें नहीं देगा, नुकसान हो रहा है, वो माचिस की तीली लगा के आग लगा देगा, हमें नहीं देगा, वो गरीबों को दे देंगे, वो हमें देगा, बोलो दे दो हमें, दो गरीब खुश हो, अभी 500 रुपए करोड़ का तुमने शादी की है, एक बस्ती बसा, एक शहर बसा लेते हैं हम, एक शेर बचेगा 500 करोड़ में, ठीक है जी, पूरा शेड बनाया गया है वहाँ पर, इतना बड़ा पूरा शेड बनाया है उसने तौसिफ पटेल, सर तौसिफ पटेल, आपके लिए ये मैसेज है,
क्योंकि आपने ऐसा ऐसा शर्मनाक सवाल पूछा है, इसलिए मैं बता दूं। सर आप कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? भैया मैं यहीं पर ही रहता हूँ बिरमपुरी में। यहाँ पर सुबह अब लेन नंबर लगाओगे आपको तो 50वां नंबर है मेरा जी। अब ये नहीं पता मेरे को पैसे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। कुल 2000 रुपए के नहीं है, मैं 2000 रुपए कमाऊंगा, इससे बढ़िया काम करूंगा। अब मैं लगाऊं दिन में, अब छोटा भाई आएगा मेरा सुबह में, उसका नंबर आ गया तो ठीक है मिल जाएगा, मैं काम पर चले जाऊंगा। मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा है मालिक मेरा, नु कह रहा है पुराने नोट लेने हैं तो लीजिए, नहीं लेने तो जाइए, काम छोड़ दीजिए। अब काम छोड़ जाएगा तो खाएगा कहां से? अब मैं अब अपना काम छोड़ू या अपने घर वालों को देखूं क्या, इस आके यहाँ पे लाइन में लगूं? अब ये नहीं पता मेरे को पैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत ज्यादा परेशानी का आलम है। मोदी जी आपने जो भी डिसीजन लिया, कम से कम पब्लिक ने इलेक्शन में आपको जिताया। के बारे में तो सोचना चाहिए, के बारे में तो सोचते पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे लाइन में कौन लगा? गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमें पता है ना कैसे झेलना पड़ रहा है यहाँ पर ठंड में, वो भी खाना खाया नहीं खाया। अब जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, 1000 रुपए का नोट आपने दे दिया, वो 1800 रुपए कहाँ से देगा हमारे को? जब है ही नहीं मार्केट में पैसा तो कैसे देगा? बहुत ज्यादा परेशान है। मोदी जी आपसे गुजारिश है, आप इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए जल्द से जल्द, नहीं तो हम आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बड़े लोगों का कुछ नहीं जाएगा। लाख दो लाख उनके पास रहते हैं पर हमारे पास तो 2000-4000 रुपए हैं, उसमें हम कैसे गुजारा करेंगे? कैसे पालना बच्चों को, कैसे भाइयों को पालना, स्कूल का खर्चा है कैसे करना, ये नहीं पता हमारे को क्या करना। जो थोड़ी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा जाके लेडीज से भी बात कर लूं। आप लोग यहीं पे रुको, हाँ आप लोग रुको, मैं खुद जाके बात कर लूंगा। आप लोग यहाँ रुके, हाँ आप लोग यहाँ रुके, मैं जाके ठंड में कैसे समझ सकते हैं ना। एक मिनट सर, मैं बिल्कुल, मैं हमारी बहनों को देखो, माँ को, माताओं को, ठंड में नहीं, एक मिनट बात कर रही है, ये चल रहा है। आप इनको पानी, बिस्किट, रोटी, यहाँ जितने इलाके के लोग हैं, इन लोगों ने, बेचारों ने इनकी सबकी हेल्प करी है, किसी को भूख नहीं है, रोटी कोई बिस्किट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, भाई मैं काम है? ये सारे बिचारी हमारी माँ बहने आज सड़क पे पड़ी हुई है, देखिए आप जाके सारे भाइयों से पूछो आप। ठीक है, आप लोगों से इतनी गुजारिश है, मैं जा रहा हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, आप लोग कृपया यहीं रहें। और एक बात मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये लाइन में लगती है अंदर गली तक, 100 आदमी भी शाम तक नंबर नहीं आता इन बिचारियों का, जो गई वो गई लौट के सारा दिन भूखे मर के। मैं उनसे बात करता हूँ, आप लोग प्लीज यहीं रहें। जब आप हमारा साथ नहीं देंगे, पब्लिक का हम परेशान है, लोग हमारे बच्चे, ठीक है, क्या क्या हालू है, शुक्रिया, बिल्कुल। सो इट्स प्रेटी क्लियर कि लोग परेशान हैं। जो व्यूअर्स मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं जाफराबाद दिल्ली के एक बैंक के बाहर से लाइव हूं, जहां पर अभी 12 बज रहे हैं और ये मेरे पीछे जो भीड़ है, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, मैं एक बार बात कर रहा हूँ, आप लोग यही रहो, मैं आऊंगा। आप रुको, आप जाओ, एक मिनट आप जाओ, देखिए आप। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि सिर्फ जेंट्स आए हुए हैं, यहाँ लेडीज भी हैं, माताएं बहनें भी हैं जो यहाँ इंतजार कर रही हैं, और उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं बाकी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग प्लीज वहीं जाएं, मैं वहां पे आ जाऊंगा, प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग वहीं पे रुके, मैं इनसे बात करके फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्लीज आप लोग प्लीज वहीं जाएं, मैं वहीं आऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वहीं पे रुके, मैं आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा 5 कदम पीछे हो जाओ, ताकि शांति से इंटरव्यू में कुछ ठीक आ जाए, ठीक है। आप लोग रहो भले ही, लेकिन थोड़ा 5 कदम पीछे, लोग परेशान हैं। दिस इज प्रीटी एविडेंट दैट पीपल आर इन डिस्ट्रेस। सो फार डेथ टोल, मरने वालों की संख्या 50 पहुंच चुकी है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और ये वो लोग थे जो इंतजार कर रहे थे अपना नंबर आने का। मेरे साथ है मैम, आपका नाम? खुर्शीदा। खुशीदा जी आप कहाँ से आए हो? यहीं से आए हैं, बिरमपुरी से ही। और कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हो? हम तो कल भी आए थे, 4 बजे लाइन में लग के चले गए, आज सुबह से खड़े हैं, तो नंबर नहीं आया, रात सुबह से खड़े हैं,
तो बंद हो गया सारा कुछ। खुर्शीदा जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये निर्देश दिए हैं सभी बैंकों को कि लेडीज के लिए, बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग लाइन हो, तो यहाँ पे अलग लाइन नहीं है, इंतजाम नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन अलग नहीं जा रहे हैं। बता, हमारे लड़के की शादी में इतनी परेशान है, हर जगह हम टकरे खा के घर पे चले आ रहे हैं। 26 तारीख में लड़के की शादी में कैसे क्या करूँ? यहाँ कोई बैठने उठने की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ठंड में ऐसे बैठे हैं। लेकिन लेकिन जहाँ तक हमें पता है, हमें तो ये बताया गया कि दो घंटे की जिनकी शादी हो रही है वो परमिशन लेकर यहाँ से नहीं भेज रहे, अंदर बिना लेन के नहीं भेज रहे हैं। 4,000 4,000 नहीं दे रहे, अभी रात भर बैठे, 15 दिन नहीं मिलेंगे, 5 दिन हो गए। मेरा नाम सितारा, 5 दिन हो गए हैं, रोज 6 बजे से नंबर लगाते हैं, जो टाइम हो जाता है नंबर नहीं आता। आज मैं टिक गई यहाँ पर, रात को रुके, रात को मेरे घर में ना आटा ना चावल, मेरे बच्चे भूखों को मर रहे हैं, मगर यहाँ पे पैसा 2,000 सिस्टम ही खराब। 2,000 रुपया कर दिया, 2,000 रुपए में कितने दिन चलाएंगे? 2,000 मिल गया, 2,000 के बच्चे छोटे छोटे घर में छोड़ के आ रहे हैं और रात को रुपया पड़ रहा है यहाँ पे। अरे अम्मा को लो सामने, ये नहीं मार जाओ। एक मिनट आप लोग प्लीज, मैं एक मिनट अम्मा बेटा जी, आप बुजुर्ग जी, हम देख लो क्या हाल है, न मेरा आदमी है न मेरा कोई है, मजबूर पड़ी हुई हूँ, बेसहारा यहाँ पे, देखो क्या तकदीर है। से औरत लग रही है, क्या क्या होता है देखो। आप यहाँ टाइम तो लग रही है सुबह, आप कितने वक्त से आप, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, लेडीज से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि मैं आराम से इनसे बात कर सकूँ। आप सभी से गुजारिश है, मुझे एक बात बताइए अम्मा, आप कितने बजे से यहाँ पे आए हो? मैं 4 बजे से हूँ। 4 बजे से, दिन के 4 बजे से, और दिन के 4 सुबह के 4 हाँ ये जो हाँ मैं समझ गया, सुबह के 4 मैं समझ गया, सुबह से हूँ भाई, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं हूँ असर के टाइम से। अच्छा, तो आपको अलग लाइन या अलग एंट्री नहीं मिली? बिल्कुल, यहीं पे ही हूँ सबके बीच में, ये नहीं कहला भाई बुड्ढों की लाइन अलग हो जाए कि हाथ पैर काम में नहीं कर रहे हैं, के लाओ भाई उन ज़हीफों को एक तरफ बिठा दे। तो निकलती भी नहीं थी, वो भी सड़क पर आ गई, पर्दे नशीन है, वो भी इस वक्त सड़क पे बेपर्दा बेपर्दा है। अम्मा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा आराम से बात करें, आप परेशान ना हो, थोड़ा आराम से आप बात करें जी। जो बेटा पर्दे में अपनी बात कही, जो पर्दे नशीन है आज वो बेपर्दा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके खाने के लिए नहीं, क्या करें, कुछ नहीं, अच्छा नहीं करा, बस ये कह सकते हैं, और आगे क्या कहें, सब पे ही बीत रही है जो बीत रही है। तो आप मेरे पास कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक जो मुझे पता था टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो ये था कि बैंकों में महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन बनाई जाएगी और उन्हें अलग से एंट्री दी जाएगी, लेकिन जो मुझे इनसे बात करके लगा ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैम आप एक मिनट आइएगा। हाँ जी, मेरी बेटी की 26 तारीख की शादी है जी, और यहाँ आती हूँ, लेन लगा के चली जाती हूँ, बिल्कुल भी घुसने दे रहा इसने। कितने दिन से आ रहे हो? मैं 3-4 दिन से यहाँ पर बराबर आ रही हूँ, लौट के पूछो इनसे। मैम अभी एक जो इतनी भीड़ हो जाती है, एक दूसरे को इतनी नौबत, मान तोड़ने की नौबत आ जाती है, पीछे को हटके फिर वापस जाने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी शादी का कार्ड दिखाएंगे तो परमिशन लेकर आएंगे। नहीं जाने दे रहे हैं, बिना लेन से नहीं जाने दे रहे हैं, तो अलग लाइन ही नहीं बनाई जा रही, नहीं बना रही जा रही लाइन नहीं। सुबह क्या आलम रहता है? सुबह सुबह को क्या हाल होता है, मारातोड़ी हो जाती है, जो आगे होती है वो धक्के मुक्की में पीछे कर दी जाती है, पुलिस वाले पीछे पहुंचा देते हैं। बैठे कल रात के 10 बजे से नंबर लगा के बैठी हूँ मैं, अब तक के कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। और मतलब 4.5 थे जब 3 दे रहे थे, और अब जब अब तो 2,000 कर ही दिए कल से, जब 4 थे किसी को 2 दे रहे, किसी को 2.5 दे रहे, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब 4,000 रुपए नहीं निकल रहे, 4,000 जो नहीं मिल रहे, 4.5 भी नहीं दिए अभी तक किसी को, ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे रिश्तेदार निकाल के ले गए हैं, वो 3 ही मिले हैं, 4 बोलते हैं मगर जब अंदर जाते हैं तो 3 ही मिलते हैं, जब 4.5 हुए जब
अब अंदर जाती है तो पैसे खत्म वो लगा देते हैं, 15 दिन बाद आना। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मुझे साइड में मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज रखें, मैं सबसे बात करूंगा। एक मिनट आइए, देखो ना तुम यार, खुद देखो यार, नीचे से दिखाओ। ये बैंक के दाएं तरफ जो एक सकरी गली सी, गली भी नहीं कहूंगा, बैरिकेड करके एक जगह बनाई गई है जहां पे लेडीज इस वक्त एक चादर बिछा के बैठी हुई है। दिल्ली का तापमान इस वक्त 19 डिग्री है, मैं आपको बता दूं, जहां सभी लोग हमें जो देख रहे हैं वो घरों में आराम से कंबल ओढ़े अपने आराम से बिस्तरों पे बैठे हैं, वहीं एक तरफ इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पैसे के लिए अपने मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों में मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सॉरी, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, सॉरी आप सभी से माफी चाहूंगा। ठीक है, लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी ये फेसबुक लाइव ज्वाइन किया, उनको मैं बता दूं कि मैं जाफराबाद दिल्ली के एक बैंक के बाहर खड़ा हूँ और अभी घड़ी में वक्त हो रहे हैं 12:05, और इस वक्त जहां लोग अपने घरों में खाना खा के अमूमन सो चुके होते हैं, वहीं पर यहां लोग इंतजार में हैं ताकि सुबह के 10 बजे उनको मौका मिल सके अंदर बैंक में पहुंचने का। पौने ग्यारह बजे मतलब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 10 बजे ही खुलेगा, 11:30 तक खुलता है। हम यहाँ पर सुबह रात के 8 बजे से लगे हैं और अभी तक हमारा ये हो रहा है, क्या नाम है, कब खुलेगा बैंक, कब हमें पूरी रात गुजारनी पड़ेगी, हम बच्चों को छोड़ कर आ। आप कितने दिन से स्कूल से? बच्चे 2-3 दिन से आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं यहाँ पर सब। और दिन में जो आता उसका तो नंबर आता नहीं, रात में जो आता उसका तो आ भी जाता, उसका भी दोपहर तक आता है, 2-2.5 बजे तक। यहाँ पे आप लोग अभी 12 बज रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अकेले हो, यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतजाम है? कुछ भी नहीं है, सफाई भी नहीं है। नहीं, आगे पीछे कूड़े पे बैठे हुए हमारे। रात के 12 बजे हैं और यहाँ पे महिलाएं इंतजार में हैं बैंक खुलने के, और इनके सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। और कल को भगवान ना करे कुछ भी होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? 7-8 बजे से परेशान है, 5 बजे से जो 4-4 हजार मिल रहे थे अब वो भी खत्म हो गए, वो भी 15 दिन में देंगे, 2,000 रूपए दे के भी 15 दिन बाद देंगे, फिर 2,000 पूरी रात काली करेंगे, अब 2,000 रूपए मिलेंगे, फिर 2,000 15 दिन बाद मिलेंगे और आधा दिन होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ आ रहे हो, आपके जो शौहर है वो भी नहीं आते लाइन में? लाइन में लगे, 2,000 वो लेंगे, 2 हम लेंगे, मतलब दोनों को ही आना पड़ रहा है। किसी के शोहर नहीं आते, औरत ही आती है, खाली एक को ही मिलते हैं, किसी के शोहर के साथ हमारे शोहर नहीं आए हुए, हम अकेले आए तो हम औरतें आती हैं, फिर आदमी काम छोड़े यहाँ, फिर एक तो मिजाज एक साथ, अगर आदमी रात को जागेंगे तो दिन में काम कैसे करेंगे, इसलिए हमें आना परेशानी है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मैं यही दुआ करूंगा कि कल आप लोग को मिल जाए, बिल्कुल हो जाए, यही मैं दुआ करूंगा। शुक्रिया आपका। अगर आप देख सकें, if you guys can, 2,000 का चला दिया, उसे लिए फिर 2,000 का कोई कुल्ले नहीं देगा, 2,000 का वो भी बेकार है। हम लोग अगर इधर ट्रांसफार्म भी है आज देर में, उसमें अगर बिल्कुल जी मैम बताएं, एक सेकंड जी मैम बताएं। एक कर्मचारी का कहना ये है कि हम जिसके खाते नहीं है उसके एंट्री नहीं करेंगे अंदर, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और आधार कार्ड पे पैसे नहीं मिलेंगे, जिनके पास खाता है उन्हीं को 2,000 रूपए देंगे। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जिनके पास खाता नहीं है वो कहाँ जाए, क्या कुछ भी करो, कुछ भी करो, यहाँ से जाओ। आप ये कह सकते थे कि ठीक है हमारे पास आधार कार्ड है, आप हमारा यहीं पे खाता खोल दो, अभी टाइम नहीं है, बहुत ऐसा उसमें पैसे दे रहे हैं ना, अभी टाइम नहीं है, ये बोल देते हैं।
So, हमारे पास टाइम नहीं है, 31 दिसंबर तक हम खाते नहीं खोलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं सामने सामने। बोलो बोलो। सो अच्छा ठीक है ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले लेडीज में से चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो बेसिकली द थिंग इज ऑल ऑफ दोज हु आर जॉइनिंग अस राइट नाउ ऑन द क्विंट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर लोग गुस्से में हैं और गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वो परेशान भी हैं। और ये परेशानी का कारण क्या है जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए बिल्कुल आइए बताइए। ये बताइए कि हम तो मजदूर आदमी हैं, सुबह को लाइन में लगेंगे तो दोपहर तक नंबर आएगा, तो दोपहर के खाने के लिए कौन देगा पैसा, ये बताओ। या भूखे प्यासे हैं, पैसे हैं नहीं हमारे पास तो खाना कहाँ से खाएंगे। ये बात तो ठीक है कि सर्जिकल स्ट्राइक है, देश की मतलब तरक्की के लिए है, लेकिन देश भी तो हमसे ही है, जनता से। जब हम ही नहीं रहेंगे तो देश क्या करेगा इसमें, ये बताओ। नहीं और तो जो अमीर आदमी है तुमने किसी को लाइन में नहीं देखा होगा, हम हैं भी लाइन में और लाइन में से हम लगते हैं तो हमारा नंबर पीछे कर देते हैं। मतलब जो आते हैं स्टाफ के आदमी आ रहे हैं, पैसे चेंज करा रहे हैं, पुलिस वाले जो अपने हैं 50-60 पुलिस वाले रहते हैं बैंक में, वो पैसे चेंज करा लेते हैं, तो हमारा तो नंबर ही नहीं आता। सारे तो स्टाफ के लोग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े आदमी आते हैं डायरेक्ट अंदर जाते हैं, इनको बैंक वालों को खाना वाना खिला रहे हैं, तो वो बैंक वाले इनकी ही सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। अभी बताओ हमने 2-3 दिन से काम नहीं करा तो हमको खाने के लिए कौन देगा, जब हमारे पास पैसा नहीं है, आप भी नहीं दोगे ना ही मोदी जी देंगे, तो हम तो भूखे ही मरेंगे ना। और फिर जो हम काम करते थे 500 रुपये रोज का, 400 रुपये रोज का, वो भी गया। बताओ कोई इतने लोग इस मोबाइल पर कमेंट कर रहे हैं, कोई ये बताएगा कि बताओ खाने के लिए कौन देगा? ये बताइए, कोई नहीं देगा खाने के लिए कोई भी। ये कमेंट कर रहे हैं बस ऐसे बैठे बैठे अपने लिहाफ बिस्तरों में बैठे, हम तो यहाँ जाड़ों में मर रहे हैं, ये तो अपने लिहाफ बिस्तरों में बैठे बैठे वहाँ से लिख रहे हैं। बैंक खुलता है जी और 6 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे बंद हो जाता है। अच्छा पहले एक गुजारिश है, आइए यहाँ से चलते हैं उधर ही चल के बात करते हैं, यहाँ लेडीज बैठी हैं आराम से, वो बैठे, आइए सब लोग आइए। सो इट्स प्रिटी एविडेंट कि लोग परेशान हैं, गुस्से में भी है और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि ये वो लोग नहीं है ना, ये वो लोग नहीं है जिनके घरों में काला धन जमा था, ये वो लोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिनके घरों में जमा था वो लाइनों में कहाँ है? अगर वो लाइनों में खड़े होते तो समझ में आता। ठीक है मैं मानता हूँ इससे काला धन पे कंट्रोल होगा, लेकिन आम आदमी का क्या, जिसके लिए ये फैसला लिया वो तो परेशान है, लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग लाइनों में खड़े हैं, यहां तक कहने के बावजूद कि लेडीज के लिए अलग लाइन बनाई जाएगी, उन्हें अलग एंट्री दी जाएगी, उन्हें नहीं मिल रही है। सर उधर को ले लो, साइड में। बिल्कुल बिल्कुल हम उधर ही चलेंगे, आइए आप लोग चलिए, बिल्कुल चलिए आप लोग चलिए, मैं चल रहा हूँ, आइए। लोग जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वी हैव स्टेज्ड दिस, लेट मी टेल यू, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ यू थिंक वी हैव स्टेज्ड दिस, क्योंकि ये गुस्सा जेन्युइन है। लोग ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव है, लेकिन जब खुद का ही घर झुलस रहा हो तो आदमी कैसे दूसरे के घर की आग बुझाए, सवाल तो ये है। Sometimes it's better to spare the guilty in order to save an innocent. ये क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है कि कभी कभी एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 4 गुनहगारों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह को भुगतना नहीं चाहिए। Those of you who are joining us right now, let me tell you, I am in Jafarabad in New Delhi and it's 12:15, 12:15 हो रहे हैं, दिल्ली का तापमान आज तकरीबन 19 से 18 डिग्री है, यहाँ धूल है, पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी लोग इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे जब बैंक खुले तो सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी या औरत वो। ये कोई रेस नहीं है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अपना पैसा जमा कराएं और कुछ पैसे निकाल लें ताकि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डिसीजन लिया, लोग उसके खिलाफ नहीं, ठीक है काला धन बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर ये भी सोचना चाहिए, और क्या सच में यही इफेक्टिव तरीका है, ये एक सवाल
ऐसा है जिसका जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस लाइव एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन लेट्स प्रे कि काला धन सच में दूर हो जाए लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं ना वो पहले दूर हो जाए. थैंक यू. Wasn't